नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में जहां आप सीखते हैं वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। और आज के 10 बज चुके हैं और हमारी ये सेकेंड लास्ट बैच है जिसमें हम एक्सेल वीबीए मैक्रो पढ़ा रहे हैं। अगर आपने मेरी क्लास मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स मिल सके। कमलेश जी गुड इवनिंग। कमलेश जी ज्वाइन हुए हैं। हेलो तो आज आपके साथ हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको फोर लूप एंड फोर लूप की बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूप से एक डेटा रिकंसिलेशन के बारे में, माफ कीजिए, डेटा कॉन्सिलेशन के बारे में, कॉन्सिलेट करना। मेरे पास क्या है ना कि सर कई सारे सीट्स हैं, हर सीट्स में डेटा है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर, सीट फाइव, सीट सिक्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीट्स में मेरे पास डेटा है। अभी क्या है कि डेटा जो अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग लोकेशन से आई हुई है, मुझे इस पे एनालिसिस करना है तो मुझे सारे डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना होगा, उसके बाद मुझे इस पे एनालिसिस करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक के नीचे नॉर्मल को मैनुअल कॉपी पेस्ट करता हूं तो दो चीजें, एक तो हमारा टाइम काफी कंज्यूम करेगा और दूसरा हो सकता है कि कोई डेटा मुझसे छूट जाए या हो सकता है कोई डेटा एक से ज्यादा बार कॉपी हो जाए। इसके लिए हम वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं कि 100% एक्यूरेसी के साथ और फास्ट में काम हो जाए मेरा। तो चलिए इसकी हम कोडिंग करते हैं। तो विजुअल बेसिक पे जाएंगे, इंसर्ट मॉड्यूल्स, और यहां पे हम सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट का नाम डालते हैं कॉपी ऑल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक के बाद हम आपको दो क्वेश्चंस भी देने वाले हैं क्योंकि इसी से रिलेट करेगा। तो हमने देखा है कि मेरा जो डेटा शीट है वो सबसे लास्ट में है। डेटा शीट कहां है? सबसे लास्ट में। यहां पे लगाऊंगा कंडीशंस यहां पे कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू शीट्स डॉट काउंट, शीट डॉट काउंट माइनस वन। सीट की जो काउंट, सीट की जो काउंट है उस काउंट से एक कम। ठीक है, शीट डॉट काउंट माइनस वन, ये हो गया। हमने माइनस वन क्यों करा? क्योंकि जो लास्ट वाली शीट है वो हमारी डेटा शीट है जिसके अंदर हमारा डेटा कॉपी पेस्ट होने वाला है। उसके बाद मैं यहां पे करूंगा शीट्स, मुझे पहले शीट में जाना है तो वन के जगह पे यहां पे मैं आई कर दूंगा कि आई डॉट सेलेक्ट, फिर रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। उसके बाद वापस आएंगे हम शीट्स डेटा के अंदर डॉट सेलेक्ट, मतलब इसको एक्टिवेट करेंगे और फिर मुझे क्या है कि एक के नीचे एक कॉपी करना है, एक के नीचे एक कॉपी करना है। तो उसके लिए कोड डालेंगे कि रेंज ए वन ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट
वन कॉमा जीरो डॉट पेस्ट स्पेशल। हम यहां पे डॉट सेलेक्ट भी कर सकते हैं और फिर यहां पे मैं कर सकता हूं एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। ठीक है, और जैसे कि यहां पे डायरेक्ट हमने कॉपी कर लिया है तो यहां भी हम लिख सकते हैं सेलेक्ट डॉट सिलेक्शन डॉट कॉपी और फिर यहां पे कर देंगे हम नेक्स्ट आई। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूं। तो एक क्लिक मारते ही 6 डेटा को इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें दो चीजें सीखने की है कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग जो है हर सीट पे कॉपी पेस्ट कर रहा, हर बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो मुझे यहां पे हेडिंग को पेस्ट नहीं करवाना है, मैं चाहता हूं सिर्फ डेटा आए इसकी हेडिंग ना आए। तो हेडिंग को रोकने के लिए प्रॉब्लम कैसे रोकेंगे, तो जैसे हम कभी कॉपी करके जैसे हम यहां पे मान लीजिए पेस्ट करेंगे तो हमारा जो हेडिंग वाला सीट है सेल्स रो है सेल्स है वही हाईलाइट होगा। तो मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो जैसे ये पेस्ट करेगा उसकी पूरी की पूरी एंटायर रो को डिलीट कर देगा। तो अब देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, फिर आपको एक हेडिंग जो है खुद से रखना पड़ेगा। तो विद इन सेकेंड में देखिए यहां पे आ गया। अब इसमें एक चीज देखा है कि इसमें जब ये मूव करता है तो स्क्रीन अपडेट जैसे होता है ना वो दिखता है। मैं चाहता हूं कि नहीं यार, जैसे नॉर्मल हम लोग करते हो बैकग्राउंड में सारा प्रोसेस करें फिर रिजल्ट दे, स्क्रीन अपडेट हो वो स्क्रीन अपडेटिंग शो ना हो, तो स्टार्टिंग में ही हम यहां पे लगा सकते हैं कोड एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। इससे क्या होगा, अब देखिए, अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा स्क्रीन अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये तरीका हो गया। लेकिन इस मैक्रो को हम एक और तरीके से लिख, ये तो लिखा हुआ देख ही रहे हैं, लेकिन एक और तरीका है इस मैक्रो को लिखने का, इसको और हम सिंपलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, हम इसी मैक्रो को कॉपी कर लिया और सिंपलाइज करने में हम सी डॉट सेलेक्ट, हमने आई डॉट सी डॉट सेलेक्ट रखा है, इस जगह पे हम इसको कट करेंगे, डिलीट कर, इस लाइन को हट जाएगा। फिर पेस्ट किया और हमने यहां लिख दिया डॉट कॉपी, फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी यहां से हट जाएगा और डेटा सीट भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, डेटा सीट भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा सीट का पाथ जो है हम पाथ यहीं पे डाल देते हैं। और देखिए पेस्ट जो है वो पेस्ट पार्ट ऑफ सीट है, लेकिन पेस्ट स्पेशल जो है वो पार्ट ऑफ रेंज है, वो रेंज का मेंबर है। सॉरी, इसमें कुछ गलती है। पेस्ट स्पेशल की स्पेलिंग भूल गया, कैसे स्पेलिंग सही कैसे पता चला, ये टाइटल केस हो गया, ध्यान रखिएगा जब टाइटल केस ना हो समझ आइएगा स्पेलिंग मिस्टेक है। और एक्टिव सीट यहां से उठ गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं ना एक्टिव सेल डॉट पेस्ट,
तो थोड़ा छोटा हो गया ना, तो ये भी वर्क करेगा। सर एक क्वेश्चन है, अगर हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन है? इसमें हेडिंग सेम होना जरूरी है क्या? अगर हाँ हेडिंग अभी ए से मतलब बी तक का हेडिंग था। हेडिंग होना सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई हेडिंग के लिए कुछ तो दी थोड़ी सरकार ना, जस्ट डेटा कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं ना, तो हेडिंग अगर गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ पेश करेगा फिर। तो यानी कम ज्यादा ऊपर नीचे कम रीडिंग रहेगा तो भी कॉपी करेगा वो, बराबर ना? हाँ मतलब कि डेटा कम ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, हेडिंग से यहाँ जैन है तो हर सीट पे पहला कॉलम जैन ही होना चाहिए। हाँ ये हुआ कि डेटा आपका ये स्टार्टिंग नहीं यहाँ है, तो फिर दिक्कत होगी आपको कि डेटा को रीड करवाने का, कि डेटा को रीड कैसे करेगा, क्योंकि किसी पे A1 पे डेटा है और किसी पे कहीं डेटा है, तो उसके लिए फिर हम जो है ना यहाँ पे जो हमने A1 से लगा रखा है रेंज, यहाँ पे A1.current region, इसके जगह पे फिर हम ऑफसेट लगा देंगे, नीचे से ऊपर आएंगे फिर कंट्रोल ए कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है कि यहां पे इस तरह से कर देंगे हम A65000 डॉट एंड मैन, यहां हो जाएगा एक्सल अप डॉट करेंट रीजन। तो आपका डेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा रो नंबर 1 से ही स्टार्ट हो, किसी भी रो से स्टार्ट होगा तो वो कर लेगा, लेकिन कॉलम ए से स्टार्ट होना चाहिए। समझ गए सर? ओके सर। ये दिक्कत इसमें कोई क्लियर होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? राकेश जी कोई दिक्कत है आपको सर? अब एक दिक्कत यहां पे एक चीज और आ रही है, एक चीज मैं यहां पे खुद ऐड कर देता हूं यहां पे ऊपर में। तो यहां पे बात है कि मैं चाहता हूं कि हर सीट का सीट नेम दे, क्योंकि बाद में मुझे अगर डेटा मैच करना हुआ या डेटा को सेग्रीगेट करना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, अभी तक कौन सा डेटा किस सीट से आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि यहां पे उस डेटा का सीट नेम भी दिखे, राइट? तो उसके लिए थोड़ा सा तिगड़म करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रेंज, यहां पे कौन सा है आपका लास्ट ई कॉलर, E65000 डॉट एंड डॉट XLS अप डॉट ऑफसेट 0.1 डॉट सेलेक्ट। इसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई डेटा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आके वो पेस्ट करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, सबसे ई के सबसे नीचे से ऊपर जाएगा और ई कॉलन के मतलब कि ई कॉलन के अगली सेल में, सबसे लास्ट मतलब कि ई कॉलन जो है आपका इसके लास्ट सेल के अगले सेल पे आ जाएगा, जहां से मैं कंट्रोल और शिफ्ट की मदद मतलब से ऊपर जाऊंगा, फिर ऑप्शन की वजह से नीचे आके इसमें हम सीट नेम डालेंगे। तो ये हो गया, फिर हम देंगे यहां पे कि रेंज सिलेक्शन से, नहीं माफ की सिलेक्शन नहीं, यहां एक्टिव सेल करना होगा कि एक्टिव सेल से एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1, क्योंकि 1 इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि ऊपर हेडिंग है ना सर, तो हेडिंग रिप्लेस कर देगा, इसलिए एक ऑफसेट लगाना जरूरी है। डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब SN, बट SN तो कोई डिफाइन नहीं किया हमने, तो यहां जहां हम सीट को सिलेक्ट करते हैं यहीं पे हम कहेंगे कि SN इक्वल टू एक्टिव सीट डॉट नेम, तो इसका नाम हमने SN पे असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो इस सीट का नाम भी आएगा,
सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? हेलो सर, हम बोलिए स्वामी जी। सर ये कभी कभी कोडिंग करते हुए ये एक्सप्रेशन शो नहीं होता, उसके लिए कुछ है क्या? जैसे कि अभी एक्सप्रेशन आपने एक्टिव एक्सप्रेशन जैसे कि सीड्स यूज करते हो तो आप एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, सिलेक्शन यूज करोगे तो नहीं शो। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको यूज करने पे ऑपरेशन शो नहीं करता, एक्सप्रेशन शो नहीं करता है। तो यहाँ सर हमारे कोडिंग करेक्ट है, यहाँ डाउट हो जाता है सर। कोडिंग जैसे कि आप एंटर मारोगे पहला लेटर बड़ा हो गया तो कोडिंग करेक्ट है, जैसे कि पेस्ट स्पेशल में हुआ था ना। यस यस ठीक है। ओके सर, अब आप लोग अपने होमवर्क नोट कीजिए। पहला होमवर्क है अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है उस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अभी क्या है कि जनवरी हर मतलब की फील्ड का जो हेडिंग है ये हेडिंग सेम होना चाहिए, राइट। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ बने क्योंकि हेडिंग जो मान लीजिए कि अभी जनवरी फरवरी मार्च है लेकिन खुद की फाइल में क्या है कि मार्च अप्रैल मई है जनवरी बाद में, मतलब कि सिक्वेंसली हमारा डेटा कॉलर नहीं है, किसी में अप्रैल पहले है जनवरी बाद में, किसी जनवरी पहले है अप्रैल बाद में। तो आप ऐसा मैक्रो बनाओ कि ए आपका हेडिंग को भी पिक करे और हेडिंग के अकॉर्डिंग कॉपी करे, ठीक है। समझ में आया सर? ओके सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो डेटा एक सीट के ऊपर था, ठीक है, अभी तो डेटा एक सीट के सीट्स में था, हो सकता है कि डेटा मेरा फोल्डर में हो अलग अलग फाइल, कि डेटा आपका एक फोल्डर में हो अलग अलग फाइल में, तो कैसे करेंगे? समझे, कुछ समझे कि नहीं सर? यस सर। कि आपके ये सारे जो डेटा है एक फोल्डर के अंदर सेव है और आपको हर फाइल को एक एक करके ओपन करना है और फिर उसको कॉपी करना है। तो दो होमवर्क आपको मैंने दिया है, इसी कॉपी पेस्ट के बिहाफ पे है वो, आप कीजिए, ठीक है। और करके मुझे बताइए। ये फाइल जो है मैंने सबको भेज दिया है रेफरेंस के लिए और इसकी रिकॉर्डिंग भी कल सुबह तक अपडेट हो जाएगी और कल हम इसी प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे जिसमें हम आपको लूप के और भी इस्तेमाल बताएंगे, ठीक है सर। तो मैंने पहले बताया था लूप इंपॉर्टेंट है, आपने लूप पे कमांड कर लिया, समझिए वीवीए पे कमांड हो गया और आगे चल के कोई और लूप पे अगर कमांड हो गया तो आगे चल के और भी बहुत सारे प्रोग्राम अगर सीखोगे आप तो उस पे भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लूप सब में सिमिलर है, ठीक है।